भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आदित्य पंडित। मैं आज आप लोगों को इंसिडेंट रेज करने के बारे में बताऊंगा। क्या फिर आपको यदि कोई इंसिडेंट आती है तो आप उनका रिप्लाई कैसे करेंगे, दोनों चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले इंसिडेंट क्या है। इंसिडेंट वन टाइप ऑफ कंप्लेन। हम कोई भी चीज में कहीं पर भी कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज में कोई भी प्रॉब्लम आया तो हम उनके रिगार्डिंग उनको इंसिडेंट रेज कर सकते हैं। जेम को, जेम इसके ऊपर इंक्वायरी करता है और वो देखता है कहाँ पे प्रॉब्लम है। जैसे कि इंसिडेंट में अभी आपको कोई ऑर्डर आया और आपका वो ऑर्डर आपने एक्सेप्ट किया और डिलीवरी नहीं दिया, या फिर एक्सेप्ट ही नहीं किया, ऑटो रिजेक्ट हो गया, तो बायर आपके अगेंस्ट में इंसिडेंट रेज करता है। और आपको काफी टाइम आपने देखा होगा कि आपका अकाउंट 45 डेज के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ये जेम को लगता है कि हाँ सच में आपने वो काम बराबर नहीं किया या गलत किया, तो आपका अकाउंट बायर का तरफ से वो इंसिडेंट एक्सेप्ट कर लिया जाता है और आपको 45 डेज के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। पर आपको यदि कोई ऐसा इंसिडेंट आता है और आप उनका इंक्वायरी जो जवाब है वो प्रॉपर देते हैं तो आप ये ब्लॉक से बच भी सकते हैं, या फिर अपने को दूसरी तरीके से बचे। जो मुझे कभी इंसिडेंट रेज करना है या तो बायर के अगेंस्ट में या कोई सेलर के अगेंस्ट में भी, जैसे कि मैं आज सेलर के अगेंस्ट में लिए देखता हूँ, यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम क्या है, एलईडी स्ट्रीट लाइट ये 1 रुपीज में बेच रहा है। देखिए यहाँ पे 1 रुपया 1 रुपीज में बेच रहा है। अभी एलईडी स्ट्रीट लाइट 1 रुपीज में अपने को पता है कि मिलती नहीं। अभी 1 रुपीज में यदि एलईडी स्ट्रीट लाइट ये बेचना चालू होगा और 1 रुपीज में अवेलेबल ही नहीं होता मार्केट, तो ये हमारे लिए एक तकलीफ हो जाता है। हमको ये तकलीफ कब मिलता है, जब हम लोग L1 के लिए जाते हैं, या कोई प्रोडक्ट यदि आपके कैटेगरी से बिलोंग ही नहीं करता और आप वहां पे डाल देते हो। ऐसा भी आता था कंपेटेबल कार्ट्रेज में, यदि हम वहां देखेंगे तो वहां पे मास्क का बहुत सारे प्रोडक्ट डाला हुआ है। यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं आपको वो भी आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, जो कंपेटेबल कार्ट्रेज में मास्क का बहुत कार्ट्रेज का कैटेगरी में अपग्रेड हुआ है। पहले वो Q2 के कैटेगरी में था, अभी ये Q3 के कैटेगरी में आ चुका है, इसलिए वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है वो वेबसाइट को ओपन होने में। देखिए अभी यहाँ पर भी आप देखेंगे तो अभी कंफर्टेबल कार्ट्रेज में फाइल होल्डर, फाइल कवर, ये सब डाला हुआ है। अभी यहाँ पे ये कैटेगरी का है, कार्ट्रेज का है, और इसमें अभी आप डिटेल्स में देखेंगे आपको ये सभी मिलता है, केबल, ग्लव, यहाँ पे अलग अलग आइटम मिलते। तो हम इसके रिगार्डिंग में कंप्लेन कर सकते हैं। इससे अपने को क्या ऐसा होता है, डायरेक्ट परचेज या L1 में काफी तकलीफ हो जाती है, तो हम इसके रिगार्डिंग में कंप्लेन कर सकते हैं। तो इंसिडेंट रेज यहाँ पे लोग बात कर रहे थे, इंसिडेंट यहाँ पे इंसिडेंट रेज कैसे करेंगे। जैसे मुझे इसके अगेंस्ट में इंसिडेंट रेज करना है, एज ए सेलर हूं मैं और सेलर से ही इंसिडेंट रेज कर रहा हूँ सेलर के अगेंस्ट में। आप चाहो तो बायर के अगेंस्ट में भी इंसिडेंट रेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखता है और यहाँ पे देखेंगे रिपोर्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट, यहाँ से आपको रिपोर्ट करना है। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंसिडेंट किस किस के रिगार्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को इसके रिगार्डिंग रिपोर्ट करना है, तो मिस डिक्लेरेशन ऑफ मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो MRP है वो गलत है, अनरीजनेबल ऑफर प्राइस, यदि MRP किसी का गलत है तब भी आप उसके रिगार्डिंग इंसिडेंट रेज कर सकते हैं। अनरीजनेबल ऑफर प्राइस यदि गलत है तो भी आप कर सकते हैं। डिसकंटिन्यू और एंड ऑफ द लाइफ प्रोडक्ट, अभी यदि इस प्रोडक्ट का अभी मार्केट में है ही नहीं और ये डिसकंटिन्यू हो चुका है तो भी आप इसके रिगार्डिंग इंसिडेंट रेज कर सकते हैं। लिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट सर्विस इज नॉट द रिलेवेंट कैटेगरी एंड द लिस्टिंग ऑफ द वैल्यू। अभी देखिए जैसे हम लोगों ने बताया था कि आपका जो ये प्रोडक्ट है ये इस कैटेगरी से बिलोंग ही नहीं करता और हम इसको गलत जगह पे पब्लिश है, तो आप इसके अगेंस्ट में भी इंसिडेंट रेज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। जैसे इसमें फॉल्स प्रोडक्ट इमेज, इमेज भी यदि बराबर नहीं है, गलत इमेज है, तो भी आप उसके रिगार्डिंग कर सकते हैं। ऐसे मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, तो ये जेम इस पे वेरीफाई करेगा और जनरली 2 से 3 दिन के अंदर इस प्रोडक्ट को यहाँ से निकाल दिया जाता है। थोड़ा टाइम लग सकता है कभी कभी, डिपेंड करता है आगे वाले जो आपको जैसे कोई इंसिडेंट आया और आपके उसके रिप्लाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे, तो मैं आपको रिप्लाई देने का भी यहाँ पे तरीका बताऊंगा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अनरीजनेबल ऑफर प्राइस, इज द ऑफर प्राइस रीजनेबल, कितना होना चाहिए प्राइस,
फ्रॉम अदर सोर्स कितना होना चाहिए। तो जैसे कि इस प्राइस का ऑफर प्राइस अप्रोक्सीमेटली कम से कम मुझे लगता है कि 300 होना चाहिए। अभी मुझे इसका देखना पड़ेगा, एक लिंक देना पड़ेगा सोर्स का, जिसका जनरली ये जो है प्रोडक्ट इसका ऑफर प्राइस क्या रहता है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो एलईडी लाइट है वो 549 में 50 वाट का अवेलेबल है। ऐसे अलग अलग स्ट्रीट लाइट अवेलेबल है डिपेंड ऑन। तो हम इसका लिंक एक भेज देते हैं जो आपको 50 इतना जो ली है ये इतने कम प्राइस में आपको नहीं मिलेगा, इज रीजनेबल ऑफर प्राइस। सोर्स कहाँ से लिया हम लोगों ने, यहाँ से लिया सोर्स, कॉपी किया और ये सोर्स को हम लोगों ने डाल दिया इशू डिस्क्रिप्शन। आपको ये 500 कैरेक्टर में मैक्सिमम लिख सकते हैं, ऑफर प्राइस इज टू लो। दिस इज नॉट रीजनेबल प्राइस, प्लीज रिमूव दिस प्रोडक्ट। हमने एक ये फाइल डाल दिया है जो आपको ये जल्दी से निकालो, नहीं तो मैं आपका कंप्लेन कर दूंगा। तो आप ये जो मैसेज है, ये मैसेज जो जिसने प्रोडक्ट डाला है उनको यहाँ पे डिस्प्ले होना चालू हो जाएगा उनके पास, और यहाँ पे कुछ इविडेंस आपको डालना है तो आप इविडेंस डालेंगे नहीं तो सबमिट करेंगे। प्लीज सिलेक्ट ओएम या रिसेलर, तो मुझे यहाँ से ओएम या रिसेलर को सिलेक्ट करना पड़ेगा।